हाय, वेलकम बैक। आई एम फूलचंद गुप्ता फ्रॉम सद्भावना पब्लिक स्कूल बड़े भंडा। आज हम कर्सिव राइटिंग के तीसरे पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं, सेकंड पार्ट में हमने बताया कि स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं। अब हम ये जान गए, ये मान रहे हैं कि आपको जो है कैपिटल एंड स्मॉल कर्सिव के लिखने आ जाते हैं। तो जब आपको कर्सिव के लेटर्स लिखने आ जाते हैं तो आप उसको वर्ड को किस टाइप से लिखें, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो जैसे हम कोई भी लेटर या कोई भी लेटर से जो वर्ड लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे आपने सभी ने पढ़ा है एप्पल, APPLE। जब हम उसको अल्फाबेट में लिखते हैं तो हम APPLE इस टाइप से उसको लिखते हैं। लेकिन जब उसी को हम कर्सिव में लिखते हैं तो कर्सिव में किस टाइप से लिखते हैं, देखिए ए कैपिटल लेटर में रहेगा, उसके बाद PPLE। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपका हाथ जो है नहीं उठना चाहिए। इसमें हम एक एक लेटर को फ्री होकर के लिखते हैं, लेकिन इसमें जो है हम जब एक बार लिखना स्टार्ट किए तो जब तक वर्ड को कंप्लीट न कर लें हमको वहां से हैंड को जो है नहीं उठाना चाहिए। वैसे सेकंड देखते हैं बॉल, BABALL। उसके बाद आता है कैट, यहां से स्टार्ट किए CAT कैट। नेक्स्ट डॉग, DOG डॉग। उसके बाद एलिफेंट, ELEPHANT। आपको ध्यान ये देना है कि हैंड जो है किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। हम धीरे इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आप उसको बेहतर ढंग से जो है समझ सकें। तो इस तरह से हमने एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, एलिफेंट लिख लिया है। आप भी इसको बार बार जो है प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आगे है चीज, तो फीस को कैसे लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा FISH फीस। उसके बाद है गर, आपने कैपिटल लेटर कहां से स्टार्ट करते हैं, जी आपको पता है GIRL गर। नेक्स्ट हैंड, एच जब लिखते हैं तो हाथ जो है थोड़ा उठता है, इसलिए HEN। उसके बाद है आइसक्रीम, ICECREAM आइसक्रीम। उसके बाद नेक्स्ट है जोकर, JOKER जोकर। नेक्स्ट काइट, के में भी हाथ हम उठाते हैं, KITE काइट। इस तरह से अब फिश, गर, हैंड, आइसक्रीम, जोकर एंड काइट, आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है तभी अच्छा से आप लिख पाएंगे। आगे है लायन, LION लायन। नेक्स्ट मंकी, MONKEY आपको लाइन का इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हैं, और हैंड कोऑर्डिनेशन का कि हैंड जो है किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह किस तरह से मूव हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा नेच, एन इसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं ESTनेच। उसके बाद है आउट, OWL और अगला है पैरट,
पी ए डबल आर ओ टी। हमने इसमें बताया था ए और ओ में डिफरेंट कि ए जो है यहां नीचे से मूव होता है और ओ ऊपर से ही मूव होता है। आगे क्वीन, क्यू यू डबल ई एन, क्वीन। इस तरह से हमारा हो गया लायन, मंकी, नेस्ट, आउल, पैरट एंड क्वीन। आगे है आर, आर फॉर रोज, आर ओ एस ई रोज। एस फॉर सन, यहां से स्टार्ट करते हैं एस यू एन सन। आगे टी फॉर टाइगर, टी आई जी, जी नीचे के तीन लाइन होता है, ई आर टाइगर। उसके बाद अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला। उसके बाद आगे वैन, वी ए एन वैन। उसके बाद डब्ल्यू फॉर वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच। जब आप टी को इस तरह से यहां से काटना भूल जाएंगे तो आपका स्पेलिंग जो है रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहां पर जब भी आप टी लिखते हैं तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि उसको यहां से क्रॉस करना है, नहीं तो ये क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा, तो इसको ध्यान देना है। तो इस तरह से हो गया रोज, सन, टाइगर, अम्ब्रेला, वैन एंड वॉच। आगे है एक्स, एक्स का एक्सरे, एक्स आर ए वाई एक्सरे, वाई या आपको यहां ध्यान देना है कि कैपिटल लेटर का वाई जो है चारों लाइन में होता है और लास्ट में है जेब्रा, जेड ई बी आर ए। इस तरह से हमने जो है अल्फाबेट के ए फॉर एप्पल से लेकर के, इस तरह से हमने ए फॉर एप्पल से लेकर के जेड फॉर जेब्रा तक जो है कर्सिव राइटिंग स्पेलिंग जो है कंप्लीट कर लिया। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इस तरह से राइटिंग सीखने के लिए आपको आपकी कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करना है, और जब आप इस तरह से वर्ड लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो बुक है उसमें बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं जिसको आप और बढ़िया तरीके से जो है सीखने के लिए उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से वर्ड आप प्रैक्टिस करने के बाद आपके बुक में जो लिखा हुआ है, जो दिया गया है उसको भी आप, हैंडराइटिंग चैप्टर में दिया हुआ है उसको भी आप बार बार जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इम्प्रेसिव टाइप से जो है आप इंग्लिश का कर्सिव राइटिंग लिख सकते हैं। जब भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं या देखना जो बेटर इंग्लिश में नॉलेज होती है जिनकी, वो मैक्सिमम जो है कर्सिव ही यूज करते हैं, लिखने की जो शैली है इंग्लिश में उसके लिए कर्सिव ही यूज होता है। तो इसीलिए आपको इसको बार बार अभ्यास करना है और इसको अच्छे से सीखना है। थैंक यू।